बहुत बड़ी जीत है हमारी नेता कांग्रेस जनशक्ति प्रियंका गांधी की। बड़े अरसे से मांग उठ रही थी और वो बड़ी भारी बहुत से जीत रही हैं वायनाड से। और ये लोगों ने लगातार राहुल गांधी जी के बाद प्रियंका गांधी जी को जो है इतने भारी बहुमत से जिता रहे हैं, ये बहुत खुशखबरी है। और झारखंड में भी बहुत बड़ी विक्ट्री जो है कांग्रेस पार्टी को हासिल हो रही है। मुख्तलिफ स्टेटों में बाई इलेक्शन में कई जगह बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही मुबारक का दिन है। प्रियंका गांधी की जीत की सब कार्यकर्ताओं को खुशी है कि मेन स्ट्रीम में लोकसभा में देखेंगी और देश की जनता की और खासकर जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं का वहाँ जिक्र करेंगी और सरकार को आड़े हाथे लेंगी जिस तरह की उनकी क्षमता है। और ये बहुत ही उत्साह की वक्त है आज सारे कांग्रेसकर्ताओं को, जम्मू कश्मीर के तमाम कार्यकर्ताओं और जनता की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ, कांग्रेस नेतृत्व को बधाई देता हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और पूरे नेतृत्व को कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो रही है। और झारखंड के लिए भी बहुत बहुत मुबारक। हाँ, हालांकि महाराष्ट्र में हमारी उम्मीदों के मुताबिक चुनाव नहीं है, उसके नतज अभी आ रहे हैं, देखेंगे क्या वजूहत है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी प्रियंका गांधी जी की है कि गांधी परिवार का एक जो है रोशनी इस देश के लिए एक और जो है संसद में दिखेगी और गूंजेगी उनकी आवाज़, जिसके लिए हम बहुत ही धन्यवादी हैं कांग्रेस नेतृत्व का कि उनको उन्होंने खड़ा किया। और वहाँ की जनता का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रियंका जी को इतने भारी बहुमत से जिता करके सांसद में भेज रहे हैं। इसलिए तुम्हारे देश पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं और खुशी की लहर है। अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा, जम्मू कांग्रेस दफ्तर में भी जश्न मनाया जाएगा प्रियंका गांधी की जीत का, झारखंड का और बाकी भी जहां हुआ है। बाकी चुनाव में हार और जीत लगती है, अभी इतनी बड़ी जीत होना सबसे बड़ी अहमियत की बात हमारे लिए है, प्रियंका गांधी जी की इतनी बड़ी जीत होना और सांसद में पहुँचना।